बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में अब डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल होता जा रहा है। बट बिफोर यू डू दैट, आपको ये पॉइंटर्स ध्यान में रखना जरूरी है। एनसीडीज और बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट और कंपनीज कैपिटल रेज करती है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए ये बॉन्ड्स स्टेबिलिटी और फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हाई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम में थोड़े अनस्टेबल हो सकते हैं। जैसे कि जब इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई होते हैं तो सेंट्रल बैंक्स उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं, जिसका इंपैक्ट बॉन्ड प्राइसेस पे नेगेटिव होता है और बॉन्ड के प्राइसेस कम होते हैं। कन्वर्सली जब रेट्स डिक्रीज होते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट रिस्क बॉन्ड के केस में क्रेडिट रिस्क होता है। ये रिस्क हम क्रेडिट रेटिंग के थ्रू जज कर सकते हैं। जो भी डेट हाई क्रेडिट रेटिंग के साथ होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े सेफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ होते हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट बैकिंग होती है। लास्टली, हमें पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, सो मेक श्योर उसके बारे में भी स्टडी करें बिफोर ट्रांजैक्टिंग इन बॉन्ड्स।